हूँ एक नॉन फ्लेम कुकिंग वीडियो लेकर। मैं रेड बेल पेपर, यहाँ बॉईल किया हुआ आलू यानी पोटैटो, वेलकम बैक टू माय चैनल आरटी वाई व्लॉग्स। सो आज मैं आ चुकी हूँ एक नॉन फ्लेम कुकिंग वीडियो लेकर, और आज आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने बहुत सारे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, डाइस डाइस कटा हुआ सब वेजिटेबल्स यहाँ पे है। यहाँ पे काले चने हैं, ये बॉईल किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, स्पाइसेस, ये रहा चाट मसाला, दिस इज काला नमक, दिस इज मस्टर्ड मसाला एंड दिस इज नॉर्मल वाला नमक। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं काले चने का चाट, जो कि बहुत हेल्दी है विदाउट ऑयल। जिसे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है या फिर जिसे चना पसंद नहीं है, वो लोग अगर चने के चाट बना के अगर खाएंगे तो उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मैं तो पहले खाती नहीं थी वेजिटेबल्स, और चने भी ऐसे मैं नहीं खाती थी, तो फिर इसीलिए अभी आज ट्राई करूंगी और देखते कैसा बनता है। और ये मैं बोलना भूल गई थी, यहाँ पे है नींबू का रस, ये रहा। सो ये बहुत ही कम समय में बन जा सकता है और बहुत ही हेल्दी है, इससे वेट लॉस भी होता है। ये चाट जो आज मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही हेल्दी है, इसे हम लोग सुबह के नाश्ता के तौर पर खा सकते हैं और जो बहुत जल्दी ही बन जा सकता है। सो चलते इसे बनाते हैं। तो काले चने के चाट को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें बोल में डाल लेते हैं बॉइल किया हुआ चना। मम्मा इसे बॉइल करके रखी थी, उसके बाद इसमें जाएगा वेजिटेबल्स, ये रहा वेजिटेबल्स का प्लेट, इसमें दिस इज कैरेट, दिस इज ग्रीन चिली, ये रहा येलो बेल पेपर, दिस इज टोमेटो, दिस इज कैप्सिकम, दिस इज ऑनियन एंड दिस इज रेड बेल पेपर एंड दिस इज क्यूकम्बर एंड ये रहा बॉइल किया हुआ पोटैटो। सबसे पहले डालते हैं इसमें कैप्सिकम। कैप्सिकम ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। अनियन सारा डाल दूं ना? टोमेटो, येलो बेल पेपर, क्यूकम्बर। आज फिर से हम लोग कुछ कलरफुल सा बना रहे हैं, दिस इज कैरेट एंड अब जाएगा इसमें रेड बेल पेपर, ये रहा बॉइल किया हुआ आलू यानी पोटैटो, और उसके बाद डालेंगे चिली, ग्रीन चिली, ये हो गया। अब इसमें हम लोग डालेंगे मसाला यानी स्पाइसेस। सो ये जहाँ इसमें अब डालेंगे हम लोग रोस्टेड मसाला, ये रहा काला नमक, दिस इज चाट मसाला एंड थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम लोग काला नमक डाले हैं इसीलिए, ये रहा। अच्छा इसे पहले मिक्स कर लेते, उसके बाद हम लोग ये नींबू का रस डालेंगे इसमें। मैं मम्मा को बोली थी कि कैप्सिकम इसमें ना दे, पर मम्मा बोले एक बार ट्राई करके देखो कैप्सिकम के साथ कैसा लगता है। बोंजू बुला रही है फिर से। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे नींबू का रस, ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं कि जो हम लोग बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। खट्टा कम हुआ है थोड़ा सा, चाट मसाला डाल दो। अच्छा लग रहा है, नमक भी डाल रहे थोड़ा सा। अभी इसे हम लोग सर्व कर लेते हैं। आलू है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने में।
एंड इसे खाती हूँ मैं भी, खा के देखती हूँ कैसा बनाया। अच्छा मेरे को तो अच्छा ही लगा है। सो इस वीडियो के बाद मैं एक सूजी का सीरीज अपलोड करने वाली हूँ, मतलब सूजी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या आइटम्स बना सकते हैं, उसके वीडियो में अपलोड करूंगी। सो आप लोग भी कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि हम लोग और क्या क्या उससे बना सकते हैं, और आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे। सो काला चना चाट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग चाहे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये 5 मिनट हम लोग बना के तैयार कर लिए। सो यस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। आई एम राइना साइनिंग ऑफ, टिल देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोस। थैंक यू, बाय।